हेलो एवरीवन, आज है 23 नवंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ONGC के बारे में। देखिए, ONGC के शेयर में आज वाकई में एक बहुत बड़ी तेजी देखने को मिली है। 76 रुपीज का ये शेयर बन चुका है। आज 6.5% से 7% की दमदार रैली हमें यहाँ पर देखने को मिली है। वीडियो में हम बातचीत करेंगे कि ONGC के शेयर में खरीदारी करने का क्या ये सही मौका है कि नहीं, और जिन्होंने खरीदारी की है उनको अब यहाँ पर क्या करना चाहिए। तो वीडियो को मैं शुरू करूं उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बात करें ONGC की, 76 रुपए का ये शेयर है। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो 10% से लेकर 11% तक का ग्रोथ है। 64 रुपीज तक का लो बना था, लेकिन उसके बाद अगर हम देखें तो अच्छी खासी रैली आई है, 76 रुपीज तक पहुंचा है। और अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो कर रहे हो तो पिछले महीने ही मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया था, अक्टूबर 14 को, जब शेयर 67 रुपीज के ऊपर ट्रेड कर रहा था। और तब मैंने कहा था कि डेफिनेटली ONGC के शेयर में रैली आएगी, वक्त लगेगा, थोड़ा सा स्लो मूव करेगा, लेकिन यहां से ऊपर बढ़ता हुआ ये शेयर आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो इसीलिए बेचने की गलती मत करना, ये मैंने उस वक्त पे कहा था कि इसको बेचने की गलती मत करना, डेफिनेटली रैली आपको देखने को मिलेगी। और अभी अच्छी खासी रैली आई भी है यहाँ पर। पिछले एक साल में देखेंगे तो ONGC के शेयर में 42% की गिरावट है। अभी भी 133 रुपए के लेवल से टूट कर नीचे आया है, 60 रुपए का लो बनाया, बढ़िया रैली आई थी, 90 रुपए तक पहुंच गया था, लेकिन उसके बाद दोबारा से गिरावट आई और शेयर दोबारा से 64 रुपीज 65 रुपीज तक पहुंचा। अब फिर से अच्छी रैली की तरफ आगे बढ़ रहा है। 3 साल में देखें तो पिछले 3 साल में ONGC में 57% की गिरावट है, 210 रुपए तक का हाई है, 60 रुपए तक का लो है। 10 साल की बात करेंगे तो पिछले 10 साल में 63% की गिरावट है, 310 रुपए तक का हाई है, 60 रुपए का लो है, वो भी अभी बना है। देखिए, 10 साल का ग्राफ देखकर एक चीज तो क्लियर समझ में आती है कि ये वो शेयर नहीं है जिसको आप खरीद के भूल जाए, ये वो शेयर नहीं है जिस पर आप 5 या 10 साल का बड़ा इन्वेस्टमेंट कर ले, बल्कि ये वो शेयर है जिसमें गिरावट आने पर आप खरीदारी कर सकते हो और प्रॉफिट होने पर आप यहाँ से एग्जिट भी कर सकते हो। लेकिन लंबा गेम, जैसे कि 5-10 साल का गेम, यहाँ पर कभी भी नहीं खेलना चाहिए। लार्ज कैप शेयर है ये, 91,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। NSE में अगर देखेंगे तो आज तकरीबन 4.5 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड है, काफी बड़ी क्वांटिटी में लोगों ने खरीदारी बिकवाली यहाँ पर की है। शेयर होल्डिंग में देखें तो प्रमोटर के पास 60.41% की होल्डिंग है, FIs के पास 7.69% की होल्डिंग है। FIs ने हल्की से अपनी होल्डिंग को गिराया है, लेकिन उसके कंपेरिजन में म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनी ने अच्छी खासी खरीदारी की है, 6.09% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है, 11.32% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनीज के पास देखने को मिल रही है। और सरकारी शेयर है ये, तो प्रमोटर आपको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देखने को मिल रहा है 60.41% की होल्डिंग के साथ। एक भी शेयर गिरवी नहीं है, 31 म्यूचुअल फंड स्कीम और 560 FIIs का पैसा यहाँ पर लगा है। हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डिंग में आपको यहाँ पर LIC देखने को मिल रहा है 10.72% की होल्डिंग के साथ। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 3.32% के आसपास देखने को मिली है। और देखिए, छोटा शेयर जरूर है लेकिन डिविडेंड तगड़ा पे कर रहा है ये, 100% का डिविडेंड, मतलब 5 रुपए पर शेयर का डिविडेंड इसने इसी साल मार्च महीने में पे किया। मतलब सोचिए, एक ऐसा शेयर जो 100 रुपए से भी कम प्राइस पर अवेलेबल है और 5 रुपए तक का डिविडेंड पे करता है। ONGC के बारे में देखें तो टेक्निकल रेटिंग अभी भी काफी शानदार है, वैल्यूएशन थोड़ा सा हाई निकल चुका है, PE 21.73 है जबकि इंडस्ट्री PE 6.39 है, बुक वैल्यू 154 है, प्राइस टू बुक 0.50 है, EPS 3.52 है और डिलीवरीज 30 के आसपास हमें देखने को मिल रही है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर, अगर हम यहां पर एक और चीज देखें तो 83% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, जबकि 12% लोग बेचने की बात कर रहे हैं, जबकि 5% लोग होल्ड करने की नसीहत दे रहे हैं। अब दो बड़े ब्रोकरेज हाउस की जो कमेंट्री है वो बिल्कुल अपोजिट है ONGC को लेकर। मोतीलाल ओसवाल ने यहां पर खरीदारी करने की सलाह दी है, 90 रुपए का टारगेट रखा है, जबकि HDFC सिक्योरिटीज ने टारगेट को रिड्यूस किया है
और 17 रुपए का टारगेट प्राइस रखा है। मतलब दोनों की जो कमेंट्री है वो काफी उलट है एक दूसरे से। हालांकि 76 रुपए का ये शेयर है अभी अगर हम देखें तो। और देखिए यहाँ पर ONGC में कई सारे कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर इनको मिल रहे हैं। और दूसरी बात ये कि अब धीरे धीरे जो ऑयल और गैस का जो कंजम्पशन है वो वापस से लौट रहा है और इनका प्रॉफिट साफ साफ नजर आ रहा है। सितंबर क्वार्टर में 5,150 करोड़ का एक बड़ा मुनाफा इस कंपनी ने कमाया है। मतलब पहले के मुकाबले, जो पहले इससे पहले अगर हम देख कोरोना से पहले की मैं बात करूं तो कोरोना से पहले इनका जो प्रॉफिट था वो 5,000 करोड़ के आसपास ही था। और ये कंपनी ने दोबारा से मतलब प्री कोविड लेवल तक पहुंच चुका है, इसमें कोई शक नहीं है। इससे पहले हालांकि 2 क्वार्टर इनके अच्छे नहीं रहे थे, लेकिन अब दोबारा से एक अच्छी शुरुआत यहाँ पर हो चुकी है। और अगर हम देखने जाए तो एक अच्छे साइन भी हम इसको मान सकते हैं। अच्छी खासी होल्डिंग प्रमोटर, FIIs, म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पर ओन करती है। ONGC में मुझे लगता है कि देखिए ये वो शेयर है जो एक झटके में नहीं दौड़ेगा, लेकिन हाँ धीरे धीरे आगे बढ़ता जाएगा। ये थोड़ा आगे बढ़ेगा, थोड़ी गिरावट लेके बैठेगा, थोड़ा आगे बढ़ेगा, थोड़ी गिरावट लेके, वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो मेरी सलाह आपसे यही होगी कि अभी भी मुझे लगता है कि ONGC में वो दम है कि शॉर्ट टर्म में अभी भी 80 रुपए तक ये शेयर जा सकता है। तो खरीदारी की है तो बने रहने की सलाह होगी यहाँ पर। फ्रेश बाइंग अगर आप करना चाहो तो जरूर करो, लेकिन अगेन मैं कह दूं यहाँ पर खरीदारी आप तभी करो जब आपका नजरिया कम से कम 7-8 महीने का हो। क्योंकि देखिए काफी स्लो मूव करेगा ये शेयर, लेकिन डेफिनेटली आपको अच्छे प्राइस पर ट्रेड करता हुआ देखने को मिल जाएगा। अगर आपका नजरिया 7-8 महीने का है तो आप यहाँ पर बने रह सकते हैं, उसमें कोई शक नहीं है। और दूसरी चीज जो काफी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि एक साथ एक ही प्राइस पर बहुत सारे शेयर्स खरीदने की गलती मत कर लो यहाँ पर। अगर आपको 500 शेयर खरीदने हैं, पहले सिर्फ 100 शेयर खरीदो, फिर वेट करो, गिरावट आए और क्वांटिटी ऐड करो, वेट करो, गिरावट आए और क्वांटिटी ऐड करो। इस तरीके से आप यहाँ पर प्ले करेंगे तो ज्यादा फायदा होगा। ये सोच के खरीदारी करो कि आपको यहाँ पर एवरेजिंग करने की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। एक बहुत बड़ी क्वांटिटी किसी एक लेवल पर फंसाने की जरूरत नहीं है। ओवरऑल अच्छी क्वालिटी का शेयर है, इसमें कोई शक नहीं है। और धीरे धीरे जो डिमांड है ऑयल और गैस की वो दोबारा से लौट रही है। और डेफिनेटली इस कंपनी के जो प्रॉफिट्स है वो आपको आने वाले दिनों में और बेहतर होते हुए देखने को मिल जाएंगे। काफी स्लो मूव करेगा, अगेन कहता हूँ काफी स्लो मूव करेगा ये शेयर। तो ये जो रिस्क है आप इसको ध्यान में रखकर ही खरीदारी करें, लेकिन शॉर्ट टर्म में जरूर 80 रुपए तक का टारगेट यहाँ पर आपको जरूर देखने को मिल जाएंगे। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करो, शेयर करें। अगर चैनल पहली बार आया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और ONGC के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।